यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा आगे मार्केट में, वहाँ पे बहुत सारी होटल्स हैं। मुझे भी भूख लगी है, कुछ खाना खाऊंगा। खाना खाने के बाद उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा मोहम्मद रफ़ी साहब के तालाब पर। ये सामने होटल है, लकी होटल दिख रहा है, और ये साइड में मोहम्मद रफ़ी साहब का तालाब है। ये साइड पे मैं ज़ूम कर देता हूँ, पहले मैं जाऊंगा इधर लकी होटल के पास, और उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा मोहम्मद रफ़ी साहब के तालाब के पास। और वहाँ पे स्वामी विवेकानंद का स्टैचू भी बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मोहम्मद रफ़ी साहब के तालाब पर। ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा तालाब है और कितना अच्छा है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये साइड पे पब्लिक बैठती है, एंजॉय करती है, और यहाँ पे बहुत सारे कबूतर भी हैं। लोग आते हैं, कबूतर को दाना देते हैं और सेल्फी लेते हैं उनके साथ, इंजॉय करते हैं। अच्छा बोल रहा है कि साइड पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे कबूतर नीचे दाना खाते हैं और ऊपर से दाना छोड़ते हैं, समझ रहे हो ना क्या छोड़ते हैं। अगर आपके पास दाना नहीं है तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बेचते भी हैं, यहाँ से खरीद के आप उन कबूतरों को खिला सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा नज़ारा है और कितना खूबसूरत है।
कमल का फूल बना हुआ है और हरा हरा घास है, छोटा सा गार्डन है। और ये स्वामी विवेकानंद का स्टैचू है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और हरा हरा घास भी है। ये साइड पे बतख का स्टैचू भी बना हुआ है। और ये देखिए कमल का फूल कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। उनका पहला नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, प्यार से लोग उन्हें नरेन कहते थे। और आज उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से दुनिया जानती है। और ये बाहर निकलने वाला रास्ता है। वहां से अंदर आया था, अब इधर से बाहर जा रहा है।